तो एक संदेश देना है कि अगर हर लीडर, जो भी देश का प्रशासनिक अधिकारी है, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार अगर काम करे तो आम जनता को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हर तरह से काम किस तरह से किया जाता है, कानून से किस तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, और सब तरफ जो बदमाशियाँ होती है, गुंडागर्दी होती है, चोरी होती है, उस सब को दूर किया जा सकता है। बंधु, यही संदेश हमने देने का प्रयास किया है। संविधान के बारे में भी कोई संदेश है? नहीं, संविधान के बारे में तो हमने ये कहा है कि भाई हम संविधान का पालन करते हुए हर जगह इसको करेंगे। इसमें हमने आज तक फिल्म लाइन में किसी भी आदमी ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतना नहीं बताया। हमने बाबा साहब अम्बेडकर की कसम भी बोल सकते हैं कि कसम खाते हुए इसमें यह दिखाया गया है कि कानून के अनुसार एक इंच इधर भी नहीं, एक इंच इधर भी नहीं, जो कानून कहेगा वही करेंगे। सर, आपको लगता है फिल्म रिलीज होने के बाद जिस तरीके से आपने योगी जी पर ये फिल्म आधारित की है, तो विरोधी लोग इसका विरोध कर सकते हैं, कुछ प्रेशर आ सकता है आप पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने कोई पॉलिटिकल इश्यू बनाया ही नहीं। इस फिल्म से क्या मैसेज जाएंगे लोगों के बीच? मैंने यही बताया ना सर कि लोगों के बीच में स्पेशली आम पब्लिक तो ये सोचेगी कि यार इस तरह का शासन होना चाहिए ताकि हम सुकून से जी सके। कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? ऑनलाइन दिखा रहा है कि अमेज़न प्राइम और कुछ पे उपलब्ध है? थिएटर के अलावा? थिएटर के अलावा नहीं। नहीं, अभी ओटीटी तो 46 दिन बाद आएगी। सर, पहले आई नहीं। सर, दिमाग आपको कहां से आया, क्यों आपको ऐसा लगा कि इस तरह की फिल्म बननी चाहिए? भाई, हम यूपी के बारे में पूर्व में सुनते थे सब तरह की बातें कि कहीं पर भी जो है कानून नहीं है, वहाँ रोड नहीं है, लूटपाट है, आदमी 6 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकता, औरतों की कोई सेफ्टी नहीं है, आए दिन गुंडागिर्दी होती है। यहाँ तक हमने सुना कि सरकारी अफसर दफ्तर को जो है गुंडे ने ताला मार दिया, हमने यहाँ तक भी सुना हुआ है, और हकीकत है ये। और गुंडा राज ही चलता था एक तरीके से, और धीरे धीरे जब नए CM आए, योगी जी आए, और उन्होंने धीरे धीरे जो काम करना चालू किया और आम पब्लिक को जो है परेशानी कम होती गई, और विशेष रूप से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का जो पालन करते हुए काम किया वो तारीफ़ काबिल है, तो इसी को हमने चित्रण करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ यूपी को विकसित भी बहुत किया उन्होंने। जो डेवलपमेंट ऑफ यूपी हुआ है वो कल्पना के बाहर। आप देखो, हर साधन यूपी में, पानी सबसे बड़ी चीज़ जो यूपी में अवेलेबल है, भूमि सबसे उपजाऊ भूमि है, उसके बावजूद वहाँ कुछ भी नहीं होता है, ये हमने दर्शाने का प्रयास किया। सर, आप बिल्डर से प्रोड्यूसर सर आप कैसे उनके बारे? सर, ये हमारा सोचाना था कि यार कुछ अच्छा करें, समाज को एक संदेश जाएगा, स्पेशली भारत के बिगड़े हुए राजनीतिज्ञों को। सर, आपने योगी जी पे बने क्यों आपने ये फिल्म? नहीं, ये एक योगी जी पे नहीं, यूपी पे है ये। यूपी का कमांडर योगी है, इसलिए योगी जी पे आ जाता है। कौन से देश में हुआ, कौन से प्रांत में हुआ, एक साल पहले के हिस्ट्री में? अभी आसाम में हो रहा है, वो CM अब आए हैं। सर, आपको लगता है कि ये यूपी फाइल फिल्म देखने के बाद कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कुछ सीख मिलेगी? बहुत कुछ। अगर वो इस फिल्म को देखने के बाद एक बार, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए। डायलॉग की बात करें तो किसने डायलॉग लिखा है, क्या है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डायलॉग्स स्टेंसली करके है, मिस्टर स्टेंसली। और आपने बताया, आपने कुछ बताया था सेंसर बोर्ड में कुछ कट हुआ, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर, वो कट तो हुआ ही है, मैंने बताया ना आपको, मेरी पिक्चर लेट इसीलिए हुई, नहीं तो वो पिक्चर मेरी इलेक्शन के पहले रिलीज हो जाती थी। इलेक्शन के पहले होती तो निश्चित रूप से कंट्रोवर्सी पैदा होती, विरोधी लोग इसका बहुत कुछ बोलते कि भाई ये इलेक्शन के लिए, और एक गारंटी है सर, अगर ये इलेक्शन के पहले हो जाती तो मोदी जी को मेजोरिटी मिलती। थैंक यू सर। सर, एक आखिरी सवाल, ये फिल्म बनाते समय आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आई, ऐसी कोई घटना या फिर जिस? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं आई, कोई हिम्मत टूटी हो? नहीं नहीं, बिल्कुल। हमने अपने बजट से काम किया, रीजनेबल काम किया, और अनफेयर कोई काम किया नहीं, एंड एवरी जो टीम ऑफ वर्क था वो बहुत ही शानदार था। हर जो इसमें कलाकार थे उन्होंने ये सोच के काम किया कि मेरी फिल्म में। सर, एक सवाल है, आपने यूपी सरकार के अच्छे कामों के लिए पिक्चर बनाई है, तो आपने क्या यूपी सरकार की
का जो पार्ट हुआ था वो भी इसमें दर्शाया है? ये हुआ ही नहीं ना सर, हमारे पिक्चर के टाइम में नहीं हुआ। इवन वो किसी का मर्डर हुआ था ना, बहुत बड़े गुंडे थे, हाँ वो भी बाद में हुआ, हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी तो वो हम दर्शा नहीं पाए। राम मंदिर का मुहूर्त भी बाद में हुआ, उसके पहले मेरी पिक्चर तैयार हो गई थी। पिक्चर बनाने में कितना समय लगा? शूटिंग में 6 महीने का टारगेट था, लेकिन बाद में ये जो एडिटिंग वेडिटिंग होता है ना उसमें बहुत टाइम गया, और फिर सेंसर में भी ये 3 बार गई है। एक साल से कम ही है, बस 1 साल होने को आ गया। सभी लोग ब्रेकफास्ट करके जाएं सर।